दोस्तों, जेड स्टोन कौन से स्टोन होते हैं, वो कैसे दिखते हैं, इसे कुछ हम जानेंगे इस वीडियो में। नमस्कार दोस्तों, मैं हेमंत आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ गोल्डन कलेक्शन चैनल में। तो आइए दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले हमारी वीडियो को लाइक कर ले, शेयर करें व्हाट्सएप पे, फेसबुक, अपने फ्रेंड फैमिली मेंबर्स का, अगर उनका इस तरह के स्टोन्स है तो उनको भी स्टोन्स के बारे में जानकारी मिल जाए। और अपने वीडियो को लास्ट तक देखने से आपको सारी जानकारी मिल जाएगी इन स्टोन्स के बारे में। और जिन दोस्तों ने अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन के बटन को दबा लीजिए। जब भी हम नेक्स्ट वीडियो अपलोड करेंगे कॉइन्स और नोट के बारे में, इस तरह के स्टोन्स के बारे में, उसका आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलेगा और सबसे पहले हमारी वीडियो को आप देख पाएंगे। तो दोस्तों, आज आपको मैं जो स्टोन्स दिखाने जा रहा हूँ, इन स्टोन्स को बोलते हैं जेड स्टोन। और दोस्तों, और इसको हीलिंग स्टोन भी बोलते हैं। और पुराने समय में बहुत सारे राजा महाराजा या ब्रिटिशर्स इन स्टोन को अपने ज्वेलरी में डालते ऐड किया करते थे, क्योंकि दोस्तों स्टोन्स का बेनिफिट बहुत अच्छा होता है, क्योंकि दोस्तों इससे बहुत सारे हेल्थ प्रॉब्लम्स दूर होती है। और ये सिंबल है लव का, तो इसमें हैप्पीनेस भी आती है। जब हम इस स्टोन को धारण करते हैं अपने साथ, वो तो हमें हैप्पीनेस भी आती है। तो बहुत सारे बेनिफिट्स हैं स्टोन के, इंसान को खुशी मिलती है और नेगेटिवनेस दूर होती है। तो इन स्टोन का जो कलर ज़्यादा ग्रीन में होता है या वाइट कलर में होता था, और इन्हें जेम स्टोन भी बोलते हैं, क्योंकि ये ज़्यादा ज्वेलरी में यूज़ किया जाते करते थे। तो अगर आपको जेड स्टोन का कलेक्शन अच्छा लगा हो तो आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने फ्रेंड फैमिली मेंबर्स का, अगर उनके भी सर के पत्थर है तो उनको पता चल जाए कौन से पत्थर है। और दोस्तों, अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए, बेल आइकन के बटन को दबा लीजिए। जब भी हम नेक्स्ट वीडियो अपलोड करेंगे कॉइन्स और नोट के बारे में, उसका आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए और सबसे पहले हमारी वीडियो को देख पाएंगे। तो दोस्तों, अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही। आपका दिन शुभ रहे और कॉइन्स और नोट का कलेक्शन करते रहे। जय हिंद, वंदे मातरम।